वेलकम टू रॉ लाइफ स्टाइल। आप लोगों से एक बार मैंने एक अनबॉक्सिंग शेयर की थी इसके बारे में, ये आपका जो है ड्रीमा का जो वायरलेस वैक्यूम क्लीनर है उसके बारे में। तो उसको मैंने आपसे कहा था कि इसकी वीडियो इसको यूज़ करने के बाद मैं शेयर करूँगा। कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं इसको यूज़ करते हुए, जिसमें कि आप देख सकोगे कि किस प्रकार से ये सक्शन कर रहा है, इसकी कितनी पावर है, कितना सक्शन कर पा रहा है। फिलहाल तो इसके पार्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका मेन फंक्शन है, यानी कि इसका मोटर वगैरह है, यही आपका वैक्यूम जो है वो सक करता है। तो इसकी जो ऑन करने का है, आप ये देख सकते हो, ये टू प्रेशर्स में काम करता है, एक लो होता है एक हाई प्रेशर होता है। यहाँ पे आपके इंडिकेटर होते हैं जो आपके लाइट को शो करते हैं कि कितनी इसमें चार्जिंग कैपेसिटी है। आप देख रहे होंगे इस वक्त 3 पॉइंट्स है। ये करीबन अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो ये 15 से 20 मिनट आराम से चल जाता है जब इसको हाई पावर पे यूज़ करते हैं। तो उसी बात इसके साथ में ये जो चीज़ें मिली थी हमको, ब्रशेस मिले थे, तो क्या कहते हैं, अगर सोफ़ा वगैरह क्लीन करना है, अगर लाइट क्लीन कुछ करना है आपको, या कार में आपको कुछ क्लीन करना है, अभी मैं आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाऊंगा उसके, तो आपके लिए बेटर चीज़ है। क्योंकि एक तो ये पावरलेस है, दैट मीन्स कि ये क्या कहते हैं, कॉर्डलेस है ये। तो फ़ायदा इससे यह है कि हर जगह आपको तार ले जाने की ज़रूरत नहीं है, 15-20 मिनट में गाड़ी की इनर क्लीनिंग हो जाती है, और क्या कहते हैं, इतने ही समय में आपका सोफ़ा वगैरह क्लीन होना हो तो वो हो जाएगा। तो ये जो उसके साथ में ये दो आपको ब्रशेस मिले थे, वो ब्रशेस आपका आराम से यहाँ पर अटैच हो जाते हैं इस प्रकार से, और आप कोई भी चीज़ क्लीन कर सकते हैं। आप सक्शन पावर्स के देख रहे होंगे, इसके जब जगह आपको अगर ये यूज़ करना है तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा और छोटा है तो आपको रैक वगैरह साफ़ करनी है जहाँ पे आपके हाथ नहीं पहुँचता है, तो आराम से, बहुत लाइट वेट है ये, आराम से इसको पहुँचा सकते हैं आप लोग। साथ में एक फ्लोर क्लीनर है, इसमें खूबी ये है कि फ्लोर क्लीनर में इसके ये जो ब्रशेज हैं ये साथ में घूमते हैं, जिसकी वजह से जो गंदगी होती है उसको वो साफ़ करते हुए सक भी करता रहता है। तो मैंने इसकी वीडियो आपको बनाई है, मैं भी आपको इसमें अटैच कर देता हूँ, शो कर देता हूँ। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेंथ भी फ्लोर क्लीनर की काफ़ी अच्छी है। अगर इसके हम लेंथ की बात करें तो ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको जॉइंट करने का तरीका सिर्फ इतना ही है कि आप इसको अच्छी तरह से फिट कर देंगे, एक क्लिक की आवाज़ आती है, उसके बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे सक्शन घूम रहा था। अगर आपको कुछ क्लीन करना हो तो इजीली से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। हाइट अच्छी है, देखने में बहुत खूबसूरत है, 150 वॉट इसकी पावर है, यानी कि जो 1200 वॉट की पावर होती है अदर्स की जो लाइट में यूज़ करते हैं हम लोग पावर के साथ में, जबकि यूरो का 4 वगैरह इसके आते हैं, तो उनसे कंपेयर नहीं कर सकते आप इसका। क्योंकि जाहिर सी बात है सक्शन पावर कम है तो आपको वैसा अनुभव नहीं होगा, लेकिन अगर आप टेम्परेरी इस्तेमाल इसे करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी गाड़ी में भी रहे और एक छोटा पीस रहे जो आपके आराम से कोनों में पहुँच जाए, तो 15-20 मिनट की अच्छी पावर देता है आपको। और इसके परचेज लिंक वगैरह जो भी हैं वो मैं डाल दूंगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको, चीज़ अच्छी है। और क्या कहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको मैंने पूरा यूज़ किया है एक महीने लगभग में, तब मैं डाल रहा हूँ वीडियो इस चैनल पर, इसलिए क्योंकि आपसे कहा ही था कि इसकी वीडियो हम यूज़ करने के बाद ही डालेंगे। तो साफ सी बात है कि आप उससे कंपेयर मत करिएगा 1200 वाट वाले से, लेकिन अपनी जगह पर प्राइस अकॉर्डिंग ये सही है, हैंडहेल्ड है, अच्छी बात तो ये है, इसे कहीं भी रख सकते हैं। 15-20 मिनट बैटरी चार्ज, मतलब बैटरी चलती है इसकी, चार्ज होने 3-4 घंटे लेती है। इसके साथ में इसका चार्जर भी दिया जाता है। एक चीज़ ये है कि मैं बता दूं आपको कि ये जब चार्जिंग कर रहे होते तब इस वक्त यूज़ नहीं कर सकते हैं इसको, तो चार्ज करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। देखने में बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है। और थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, आपकी सारी गंदगी जो होती है वो इस कंपार्टमेंट में आ जाती है, बहुत इजीली से ये कंपार्टमेंट आप निकाल सकते हो, और इसको आप आराम से वॉश करके, लेकिन वॉश करने के बाद में इसको सुखा जरूर लें,
क्योंकि सुखाएंगे नहीं तो पानी जो है मोटर में चला जाएगा और दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इसके परचेस लिंक वगैरह मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखिए गंदगी, ये सब अच्छे से कर रहा है और अपनी जगह ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे लगा था जब शुरुआत में कि मैंने कहा क्या करेगा ये 150 वॉट का, लेकिन नहीं, माइंड ब्लोइंग है ये। अगर इसका और फीचर्स देखे जाएँ तो, क्योंकि जो यूरेका फोप वाले के आते हैं अगर आप लोगे उनका, थोड़े चीप जरूर पड़ सकते हैं इससे, लेकिन उनके जो आपको ये मिलेगा फ्लोर क्लीनर, इसमें आपके वो ये घूमते नहीं हैं ब्रश वगैरह, और इसके घूमने की वजह से अगर आपको थोड़ा ड्राई क्या कहते हैं पोछा भी आपने लगाया है या फिर थोड़ा सा वेट है वहाँ पे, तो आराम से काम हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, मैं आपके बीच में वो शॉट अभी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसका यूज़ कर रहा हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी आपको, मैं परचेज लिंक वगैरह चैनल पर दे रहा हूँ। थैंक यू।